सीएए और एनआरसी के विरोध में इस वक्त राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मैं अल्बर्ट हॉल पे मौजूद हूँ जहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जामिया और एनयू से छात्र प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ मौजूद है। भारी संख्या में इस मार्च में महिलाओं का आप समूह देख सकते हैं। भारी संख्या में इस वक्त अल्बर्ट हॉल पे महिलाओं की भारी तादाद है जो कि एनआरसी और सीएए का विरोध करने यहाँ पहुंची है। तमाम महिलाओं का एक ही नारा इस वक्त यहाँ दिया जा रहा है कि सीएए और एनआरसी को हटाया जाए। मैं आपको बता दूँ राजस्थान की गहलोत सरकार भी सीएए और एनआरसी को हटाने की बात कह चुकी है और इसके साथ ही इस वक्त जयपुर में इस वक्त महिलाओं का ये मार्च चल रहा है जहाँ सीएए और एनआरसी का विरोध चल रहा है। भारी संख्या में इस वक्त आपको अल्बर्ट हॉल पर महिलाओं का जाब्ता नजर आ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वह विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, किस लिए विरोध कर रहे हैं? एनआरसी का विरोध क्यों ना करें, एनआरसी का विरोध फर्स्टली तो कि अब मतलब आप फर्स्टली तो मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें अमेरिका भी एनआरसी लेके आया था, तो पहले आप अमेरिका जितने डेवलप तो कर लीजिए, आप मतलब और चीज़ें और बातें तो कीजिए। ठीक है चलो एनआरसी, वो सोच रहे कि हमारे पास कागज़ नहीं है, उनकी गंदी सोच। अब हमसे किसी भी हम मतलब आप हमें गारंटी दीजिए, आप पूर्व राष्ट्रपति की फैमिली को डाल देते डिटेंशन कैंप में, तो हम कैसे आप पे यकीन कर ले कि आप हमें ना डालेंगे? हम कागज़ के हम कुछ भी दिखाएं, आप हम आप पे यकीन नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते। जो मतलब जवान सेना में रहे हैं आप उनको डाल रहे हो, जो जवान सेना में रहे हैं उनकी फैमिली को उनको डाल रहे हो। ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर अपना इस्तीफा दे रहे हैं एनआरसी के प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सर हम यूपीएससी एस्पिरेंट हम क्या करें? हम पहले अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करें कि हम सिटीजन इंडिया के या फिर हम एक इंडियन सोसाइटी को सर्व करने के लिए मेहनत करें, सर हम करें क्या? और एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ कंट्री स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है, सिर्फ इन्फ्लेशन बाकी है वरना हाई एम्प्लॉयमेंट है, लोग रोते हैं, हाई इन्फ्लेशन भी होने वाला है, आप ऐसे सिचुएशन में बाहर से लोगों को ला रहे हो कि हम आपको नौकरी देंगे? और सर यहाँ जो इंडिया के लोग हैं उनका क्या, उनकी नौकरी का क्या? नहीं सर, भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, जो कुछ है सब कुछ सामने ही है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कोई भ्रम फैलाया जा रहा है। बाकी बातें आपको मेरी बहनें बता ही चुकी है, मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 2020 में इंडिया को सुपर पावर बनाने की बात हुई थी, क्या हुआ उस बात का? मोदी जी बहुत कुछ बोलते लेकिन क्या किया मोदी जी ने? आपकी मांग क्या होगी इस वक्त सरकार से, क्या बड़ी मांग इस वक्त? सर हमारी सरकार से यही मांग होगी कि आप बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप अपने इंडिया को डेवलप, हम भी देखना चाहते हैं इंडिया को विकसित राष्ट्र। मोदी जी ने एक बात बोली है कि कांग्रेस विरोध कर रही है इस कानून का, कांग्रेस लाई क्यों थी ये कानून? कांग्रेस ये कानून लाई थी उन लोगों के लिए जो आए हैं बाहर से, कांग्रेस लाई थी ये कानून उन लोगों के लिए। कांग्रेस ये कानून इसलिए नहीं लाई थी कि आप जो मुसलमान हैं आप उन्हीं को घुसपैठिए बना दो, जो हिंदुस्तान में सालों से सदियों से रहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं यहाँ पर, इससे बड़ा सबूत आपको कौन देगा ये बताओ? मोदी सरकार आप बताओ, आपके बाप दादा कहाँ गए ये बताओ आप? जिस दिन ये बता दिया ना आपने आपके बाप दादा कहाँ है, उस दिन हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स पूछने आ जाना, लेने आ जाना हमसे डॉक्यूमेंट्स, और तुम खुद आना अगर हिम्मत है तो, खुद हजारों पुलिस के घेरे में बैठे हो, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सब हजारों पुलिस वालों के घेरों में बैठे हो, उसके बाद आप मुसलमानों को ये बोल रहे हो कि मुसलमान हिंसा फैलाते हैं? हमने आरयू में देखा, हमने जेएनयू में देखा, हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखा, इस्लामिया में देखा, जामिया इस्लामिया में, हर जगह पुलिस वाले पहले उठा रहे हथियार बच्चों पर, उसके बाद वो रिप्लाई हर इंसान करेगा। ये हमारा कानून, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर आपको आप पर कोई हथियार उठा रहा है तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस में उसको मार। आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आपकी सरकार से क्या मांग होगी? सबसे पहली मांग हमारी सरकार से ये होगी कि इस काले कानून को जो आपने लागू करना की सोच रहे हो ना, इसे वापस ले लो, भलाई आपकी है इसमें हमारी नहीं है, इसमें भलाई आपकी है, क्योंकि जिस दिन बिगड़े ना उस दिन बहुत बिगड़ जाएंगे, पता चल जाएगा आपको कि मुसलमान क्या क्या कर सकते हैं। और मुसलमान अकेला खड़ा नहीं है, आज हिंदू मुसलमान नहीं खड़े, आज इस देश के नागरिक खड़े हैं यहाँ पर, आज हिंदू मुसलमान नहीं खड़े कि ये मुसलमानों का मैटर है, हिंदू नहीं बोलेंगे मुस्लिम का मैटर है, आज इस देश के नागरिक खड़े क्योंकि ये बात संविधान पर आकर रुकी है आज।
वक्त आप देख सकते हैं एनआरसी सीए को लेकर सीधा विरोध चल रहा है। भारी संख्या में अल्बर्ट हॉल पर तमाम महिलाओं का ये मार्च है, जहां एएमयू और जेएनयू के तमाम छात्र प्रतिनिधि भी इस मार्च में मौजूद है और लगातार सीए और एनआरसी को हटाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कैमरामैन अमित पारिक के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, नवतेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।